पे मरते हैं, हम मर जाएंगे। तो यार कैसे हो आप सब। जहां आज सबको सुंदर चेहरे की चाह होती है, वहीं आज हम आपको एक ऐसी जोड़ी से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सुंदर चेहरा नहीं सुंदर दिल देखा। परनाज और राजू के रिश्ते को तो आप सब जानते हैं। इनके रिश्ते पे मैंने वीडियो भी बनाई है जिस पर 2.4 मिलियन से भी ज्यादा आपका प्यार मिला। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में हम राजू की बचपन से लेके शादी तक की पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती, अपने घर वो क्यों नहीं जाती है, और अब राजू और परनाज एक साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, क्या इन लोगों का रिश्ता टूट गया है। तो आज की इस वीडियो में हम राजू की लाइफ के वो सारे इंटरेस्टिंग राज जानने वाले हैं जिनसे शायद आप अभी अनजान होंगे, जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए देर ना करते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। करने वाली खुद भी पागल हो जाएगी। 13 जुलाई 1991 को पंजाब के चंडीगढ़ के तारन तारन गाँव के एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसे आज आप राजू दीदी के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ। इनके पापा नहीं थे तो राजू की मम्मी घर घर जाकर बर्तन मांज के पैसे कमाया करती थी। इनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से राजू पढ़ाई भी नहीं कर पाई। राजू की मम्मी ने सोचा कि चलो अब इसकी शादी कर देते हैं, ये मेरे घर में तो कुछ नहीं रह पाई, क्या पता ये शादी करके अपने घर पर खुश रहे। और इसी वजह से राजू की बहुत ही बचपन में शादी हो गई। इनकी शादी हो गई और ये अपने घर चली गई। लेकिन मानो इनकी जिंदगी में खुशी नसीब ही नहीं थी। इनका पति इन्हें बहुत मारता पीटता था, जैसे तैसे करके इन्होंने गुजर बसर कर लिया। लेकिन इनके 3 बच्चे हो गए थे, इनके 2 लड़के और 1 लड़की है। बड़े लड़के का नाम है सोनू, छोटे लड़के का नाम है मोनू, और इनकी 1 लड़की है उसका नाम है खुशी। राजू खुद तो गुजर बसर कर पा रही थी, लेकिन इन्हें अपने बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही थी। ये अपने 3 बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर मायके आ गई। जब ये मायके आ गई तो इनकी मम्मी ने इनकी हालत देखी तो उन्होंने कहा तुम अब यहीं रहो, जैसे मैं घर घर जाकर काम करती हूँ तुम भी वैसे ही घर घर जाकर काम करो और अपने बच्चों का पालन पोषण करो। राजू की मम्मी घर घर जाकर काम किया करती थी, उनमें से एक घर परनाज का भी था। परनाज के घर में वो बहुत पहले से काम किया करती थी जब राजू बहुत छोटी थी। तो राजू ने कहा कि मम्मी तुम आराम करो, मैं तुम्हारी जगह घर घर कर काम किया करूंगी, और वो परनाज के घर जाने लगी। परनाज उस टाइम टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे। ये बात 2019 की है जब परनाज टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही मजाक में राजू से कह दिया क्या तुम भी वीडियो बनाओगी, तो राजू ने कहा हाँ। और फिर परनाज ने राजू दीदी का वीडियो बना के टिकटॉक पे पोस्ट कर दिया और वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई, क्योंकि लोगों को ये लगा कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। ये दोनों लगातार साथ में वीडियो डालते रहे और इनकी हर वीडियो वायरल होती रही। इनके टिकटॉक पे 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। लोगों को ये लगने लगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन एक दिन परनाज ने लाइव आकर ये बताया कि ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं इनको दीदी कहता हूँ, ये मेरे घर में काम करती है और इनको वीडियो बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए मैं राजू दीदी के साथ वीडियो बनाता हूँ, और राजू दीदी की और मेरी जोड़ी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। टिकटॉक बैन हो गया तो इन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और वहाँ पर व्लॉग्स डालने लगे, और राजू दीदी के व्लॉग्स भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। यूट्यूब पे इनके सब्सक्राइबर्स की बात की जाए तो यूट्यूब पे इनके आज 5,08,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और यूट्यूब से जितनी भी कमाई होती है परनाज राजू दीदी को पैसा देते हैं, जिससे राजू दीदी अपना घर चलाती हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई करवाती हैं। परनाज राजू की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आपको ये चीज पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। राजू की वीडियो वायरल होते देख इनके पति देव वापस आए। इनके पति ने कहा वापस पिंड चलो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि वहाँ मेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, यहाँ मैं काम करके अपने बच्चों को पढ़ा लूंगी। और जब राजू ने परनाज से पूछा कि क्या करूँ तो परनाज ने कहा कि राजू दीदी आपको जैसा सही लगे वैसा करो, लेकिन राजू दीदी की माँ ने मना कर दिया कि कहीं ये राजू को ले जाकर वापस पीटे ना, क्योंकि राजू के पति ने ये शर्त रखी थी कि राजू वीडियो बनाना बंद कर देगी। लेकिन राजू दीदी को वीडियो बनाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए राजू दीदी ने जान
जाने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, राजू दीदी ने सही किया या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परनाज को राजू से बिछड़ना पड़ा। परनाज और राजू दीदी की जोड़ी अलग हो गई। परनाज को ग्रेजुएशन करने कनाडा जाना पड़ा, क्योंकि परनाज के मम्मी पापा चाहते थे कि परनाज आगे अच्छी पढ़ाई करे और कुछ अच्छा करे, जिसके लिए वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने कनाडा चले गए हैं। और जब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता, वो वापस नहीं आएंगे। तब तक आपको परनाज और राजू दीदी की जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी। राजू दीदी के ब्लॉग्स वीडियो परनाज शूट नहीं करते हैं, कोई और करता है। परनाज और राजू दीदी की वीडियो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके लिए परनाज अपने इंस्टाग्राम पे राजू दीदी के साथ की अपनी पुरानी वीडियो डाला करते हैं। अगर आज इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स की बात की जाए, तो आज इनके इंस्टाग्राम पे 785,000 के फॉलोवर्स हैं। ये छोटी सी लाइफ स्टोरी थी राजू दीदी की। राजू दीदी के जीवन में ऐसी ही खुशियाँ बनी रहे और उनके बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी विश के साथ हम इस वीडियो को यहीं करना चाहेंगे एंड। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करा करिए। अगर आपने वीडियो देख ली है यहाँ तक और नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में।